नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट गुरु निकुंज। नए नए विषयों के साथ हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आज नारका अपि मोदन्ते, प्रभु का जन्म एक ऐसा जबरदस्त कोटि की घटना है यूनिवर्सल के लिए, कि जो नरक के जीवों को भी आनंद देने वाली है। आज प्रभु युगादि देव आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है और हम आज लाइव आपके सामने आए हैं। बहुत नए नए विषयों को आपके सामने मैं रखूँगा। बहुत सारे लोग अभी से जुड़ चुके हैं, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को वंदना करते हुए आज आप घर बैठे बैठे भक्तामर हीलर कैसे बने, जल्दी से सभी लोग आप लाइव आ जाइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ। 23, 28, 35 लोग जुड़ चुके हैं। सभी को नमस्कार, जय आदिनाथ। सभी लोग कमेंट के अंदर एक बार अपना नाम और जय आदिनाथ लिख दीजिए, क्योंकि आज युगादि देव ऐसे आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। तो हम भी उसी श्रृंखला के अंदर किस प्रकार से सभी का स्वागत करें। खास ललिता जी, संकलेचा, खास आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। मैं आप पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना चाहता हूँ और इसीलिए पूरे विश्व में भारत यात्रा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे हीलिंग के लिए फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे हीलर बनने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो उन सभी का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम भक्तामर हीलिंग कोर्स लेकर के आ रहे हैं पूरी जबरदस्त कोटि की। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने ऐसे हीलर नहीं देखे होंगे। ऐसे हमारे पास परेश भाई हैं कि जो 108 अलग अलग थेरापी के एक्सपर्ट हैं। पूजा बहन है जो जामनगर से, उन्होंने ऐसा भव्य कोर्स बनाया है आप सभी की सेवा के लिए। तो खास करके, और उसका एक संपुट भी, कोई भी जो भी जैन अनुष्ठान से जुड़ा है उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपका नाम और नंबर जरूर लिखे। ये पूरा इसके अंदर भक्तामर मार्गदर्शिका, कैसे भक्तामर का आपको हीलिंग करना है, कैसे कौन सा मंत्र किसके लिए काम आता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसके अंदर पूरी रूप से इसमें संकल्प लिखा गया है, जिसके अंदर तो आप बहुत सारे लोग जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ तो लिख देते हैं, लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप आपका नंबर या हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप कुछ डिटेल डालेंगे तो उससे क्या होगा, हम आपका संपर्क कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि भाई आपके साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता है, हम जो गिफ्ट आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं। तो सभी से विनम्र बड़ा निवेदन है कि आपको जिसको भी भक्तांबर संपुट तो मेमोरी ऊर्जा कार्ड है, जिसको भी नींद नहीं आती है, भूलने की बीमारी है, तो बहुत सारे लोगों के पास जा कर के, और अभी तक हमने जितने भी भक्तांबर का जाप जो किया है उनका अभिमंत्रित वासस्केप इसके अंदर डाला हुआ है। तो खास करके वो सारी चीज़ें आप लिखिए, समझिए, और जिनको भी बाई पोस्ट से तो सबको फ्री है, किसी को भी कोई भी भारत देश के अंदर रहता है उनको फ्री है। विदेश से जो भी है वो अपना ईमेल आईडी भेजेंगे तो खास करके हम आपको बाई कुरियर से भेज देंगे। और जिसको भी कुरियर से चाहिए तो उनके लिए जो कुरियर चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। तो हमारी संस्था का जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते। सभी लोग जल्दी से नोट पेन ले लीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी बीमारी है, कोई भी आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो ज़रूर इस कमेंट के अंदर लिखिए। हम ये आधे घंटे के कमेंट के अंदर पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाथा किस मंत्र के लिए करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमने इसके अंदर पूरा तैयार किया गया है, तो कभी भी आपको भक्तांबर ऐसे, मैंने 1 लाख लोगों को देखा है, जाना है, समझा है कि जो रोज भक्तांबर गिनते हैं। बहुत सारे संघ भी ऐसे हैं कि जहाँ पर रोज भक्तांबर का पाठ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग लोगों को हम जब पूछते हैं तो किसी को नहीं पता होता है कि जाप के पहले संकल्प करना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले वैश्विक संकल्प, आज पूरे विश्व के अंदर करोड़ों धर्म की प्रथाएं हैं, करोड़ों मंत्र है, लेकिन हमारे जैन धर्म में ही एक ऐसा मंत्र है जो मारी के लिए, आज चारों तरफ जो वातावरण बन गया है, आप कल्पना कीजिए कि भद्रबाहु स्वामी जी भगवान कितने जबरदस्त कोटि के महासाधक थे कि उन्होंने उस समय, आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों समय के पहले, भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा, आदिनाथ भगवान आदि अलग अलग काल के समय के अंदर उस गरम स्तोत्र की जिन्होंने रचना की और उसमें शब्द आया कि मारी, जो मारी शब्द आता है वो मारी शब्द की हम बात करेंगे, मारी शब्द की हम आराधना करेंगे। मारी शब्द की आराधना के साथ साथ में आज अद्भुत जहाँ पर विधान होता है, जहाँ पर साधना होती है, और वो साधना करते 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 पहले नंबर में वैश्विक संकल्प करना है कि विश्व के सारे जीवों का कल्याण हो, विश्व के सारे जीवों का मंगल हो, विश्व के सारे जीव शांत बने। उषा जी जैन, जय आदिनाथ भगवान की जय हो। जिग्नेश भाई साहब भी जुड़ गए हैं, खास करके मुन्ना भाई,
दिनेश भाई खास, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग इस भक्तामर की वैश्विक चेतना से पवित्र बने, शुद्ध बने, आनंददायक बने और वो आनंद आपके जीवन के अंदर परम मंगलकारी बने, परम कल्याणकारी बने। तो वैश्विक संकल्प करना है। दूसरे नंबर के अंदर जो संकल्प करना है वो संकल्प है विद्यार्थी के लिए संकल्प करना है कि जितने भी काफ़ी सारे, आज देखिए आप सभी के आशीर्वाद से हमने 1800 भी ज़्यादा लोगों को हमने मंगलकारी विधान कराया, सरस्वती का मेडिटेशन कराया, हीलिंग दिया। और हीलिंग के अंदर हम जब देखते हैं तो इतना ज़बरदस्त कोटि का हमें रिजल्ट मिल रहा है। भक्तावर की छठी गाथा का जो हीलिंग करते हैं और हीलिंग के प्रभाव से मंगलकारी जो विधान करने में आ रहा है, तो वो सारी बातों को समझेंगे, उनको बोलेंगे पछी। तो काफ़ी सारी बातों को करना है कि विद्यार्थियों को, विद्यार्थी के लिए जब आप हीलिंग करना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी का हीलिंग के अंदर सबसे पहले संकल्प करिए कि भक्तामर महास्त्रोत्र के प्रभाव से मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो जो भी महिलाएं हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है, खाली संकल्प ही करना है कि भाई मेरा बेटा शांत है, स्वस्थ है, प्रेमाड़ है। तो वो सारी बातों को करते हुए छठे नंबर का श्लोक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए कि मेरा बेटा तीव्र बुद्धिशाली है, तीव्र ज्ञानी है, तीव्र प्रकार की आराधना साधना करते हुए वो विशिष्ट प्रकार की मेमोरी पावर को प्राप्त कर रहा है। तो पहले नंबर की गाथा, जब कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा जब उपद्रव आ जाए तो उपद्रव की शांति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप पाठ कर सकते हो। सभी लोगों को बराबर लिख देना है। दूसरे नंबर की गाथा, जो शत्रु पीड़ा है, सिर पीड़ा है, नज़र दोष है, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है उसको नज़र दोष। आप लोग अपनी समस्या से दुखी नहीं है, दूसरों की समस्या से ज़्यादा दुखी है। दिनेश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो निकुंज गुरु जी, बस आप सभी का आशीर्वाद है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि आपके परिवार में आपने मुझे स्थान दिया है। 20 लाख से भी ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो यही मेरे लिए, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जी ने लगातार 5 साल तक मुझे पढ़ाया और वो पढ़ाने के बाद जो आज मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मैं आप सभी के मदद में आ रहा हूँ। तो तीसरे नंबर की गाथा, सबकी प्रसन्नता प्राप्ति। कभी कभी नज़र बंद हो जाता है, कभी कभी कोई जगह पे आप स्थिर हो जाते हो, तो वही सारे समय के अंदर बचने के लिए, समझने के लिए, खास करके शत्रु संबंधी यदि नज़रबंद करना है, वो नज़रबंद को दूर करने के लिए खास करके तीसरे नंबर की गाथा करनी चाहिए। तीसरे नंबर की गाथा के बाद चौथे नंबर की गाथा, सभी लोग जय आदिनाथ भगवान, जय आदिनाथ मोकले भगवान का पाठ करते हुए हम एक एक कमेंट को लेंगे और वो सारी बातों को समझते समझते चौथे नंबर का जो पाठ है, जल जंतु का बचाओ। अभी चारों तरफ जो पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी गर्मी के अंदर प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे मछलियाँ सूख जाएगी, तो उन सभी के लिए जो बात हम कर रहे हैं, तो वो पानी के सभी जीवों की रक्षा करना है। कुछ ही समय में अभी हमारा दुबई के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम, क्रूज के अंदर हम नौकार मंत्र का जाप करा रहे हैं, तो वो नौकार मंत्र का जाप खास करके समुद्र के जो बहुत सारे जीव है वो जीवों को बचाने के लिए, यदि एक नौकार मंत्र एक नागिन को धर्णेन्द्र पद्मावती बना सकते हैं, तो जल तत्व की साधना, समुद्र दुबई के समुद्र में करोड़ों जीव है, तो करोड़ों जीवों को बचाने के लिए हमने नौकार महामंत्र का अभियान चलाया है। भक्तामर यात्रा हमारी चल रही है। जिनको भी चश्मा आ गया है, जो भी लोग नेत्र रोग से पीड़ित हैं, वो सभी लोगों को, हाँ खास करके राजमती सुराना वो रख ले, मुझे भी चाहिए, मैं बीमार रहती हूँ, कोई बात नहीं, हम पूरा 13 महीने, ये जितना भी वर्ष तब चलेगा, एवरी उपवास के दिन हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, हर 1-2 दिन में हमारा वीडियो आ जाएगा, हर चीज़ को हम आपको समझाएंगे, और ज़्यादातर आप सारी चीज़ें आप खुद कर सको, और जहाँ पर आप अटक रहे हो तब आपको हमारी एप्लीकेशन है, हमारी वीडियो है, हमारी जो साधनाएँ हैं, हमारे पूरे विश्व भर में जो शिविर चल रही है, आज मैं उन सभी लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे भक्त लोग हैं, जो मेरी पूरी टीम है, इतना रिसर्च करती है, इतना संशोधन करती है और आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अद्भुत बात आज पूरे विश्व में जैन अनुष्ठान के बगैर नहीं मिल सकती है। खास करके एक और प्रश्न आया है कि अभी कोरोना के लिए क्या करें गुरु जी,
तो खास करके हमारे खून की जो पूरी बॉडी की संरचना है उसमें मंगल तत्व का जबरदस्त भाव रहता है, और मंगल यदि बलवान हो जाता है, खून आपका शुद्ध हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रोग प्रतिकारक शक्ति जैसे ही आपकी डाउन होती है आपके बॉडी में रोग चालू हो जाते हैं। तो मंगल को बलवान करने के लिए घंटाकर्ण महावीरदेव का खुद अनुष्ठान कीजिए। शाम को जैसे ही आते हैं, कुछ लौंग है, कुछ कपूर है, कुछ अच्छी औषधि हवन सामग्री आज बाजार में मिली रही है, तो थोड़ी सी लेकर के 3 बार 7 बार 3 बार 6 बार 9 बार के गुणांक के अंदर आप हवन करते हो, लंबे समय की बीमारी लंबे समय की तकलीफ में से आराम प्राप्त कर सकते हो। तो घंटाकर्ण का रोज सुबह में जाप देखते हो बड़ा करा दीजिए। खास करके दूसरे नंबर के अंदर घंटाकर्ण देवी का हवन कीजिए। आपके गांव में कोई भी पंडित जी है, खास करके ये महामारी में से आप बचना चाहते हो तो ये आपको अनुष्ठान करना ही करना है। खास करके दिनेश भाई, आपको भी किट भेजी जाएगी जल्दी से। आपका कॉन्टैक्ट लिखिए, आपका एड्रेस डालिए कमेंट के अंदर। तो आज ही काफी सारी लोगों की, सभी के लिए, करीबन सैकड़ों लोग लाइव आ देख रहे हैं वीडियो, तो सभी को यहां से भेजी जाएगी। तो वैश्विक संकल्प हो गया, दूसरे नंबर के अंदर विद्यार्थी के लिए संकल्प हो गया, और भक्तांबर का गान मेरे रोम रोम के अंदर मेरे शुभत्व शक्ति को जागृत करे, शुभत्व भाव को जागृत करे। और सबसे बढ़िया संकल्प, भक्तांबर गिनने से पहले सभी को बोलना है कि मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी को आप महसूस कर सकोगे। आत्मरक्षा मंत्र के साथ में, ज्ञान मुद्रा में, अलग अलग मुद्राओं का आप अभ्यास करते हो तो बहुत जबरदस्त। छठे नंबर का स्मरण शक्ति, जिसको व्यापार में भी आगे बढ़ना है, सक्सेस आइडिया बनाना है, जो बिजनेस करते हैं उनको भी छठे नंबर का श्लोक रोज 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 गिनना चाहिए। सातवें नंबर का जो श्लोक, हमने पूरा रिसर्च जब किया है तो कोई भी प्रकार का आपको एलर्जी हो जाता है, विष हो जाता है, जहर आ जाता है, तो सातवें नंबर का जो है वो रक्षा कवच के लिए जबरदस्त काम करता है। आठवें नंबर का श्लोक, अंगों की पीड़ा, कभी आपको हाथ दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी सिर दुखता है, पूरे शरीर का कोई भी अंग लंबे समय से पीड़ा दे रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट कराने के लिए भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो कार्यों के अंदर आठवें नंबर का जो है सर्व अरिष्ट निवारक, कोई भी प्रकार का आपको डॉक्टर बोल रहा है कि इसकी तो दवाई का शोध ही नहीं हुआ है, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो आपको पूरी जिंदगी चलेगा, उसको भी आपको दूर करना आप चाहते हो, खूब श्रद्धा भाव से, खूब संकल्प, श्रद्धा नहीं खाली संकल्प करें, संकल्प के अंदर इतने करने से इतनी जबरदस्त कोटि के अणु परमाणु, क्योंकि करोड़ों बार यहाँ पर ये मंत्र का गान हुआ है, रुद्धि मंत्र का गान हुआ है, संकल्प का गान हुआ है, तो आपको करना है। एक चीज़ होगी हीलिंग कैसे करें, जिज्ञासा ने पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल। तो हीलिंग के लिए सबसे पहले आप रेखी का कोर्स कर लीजिए, भक्तांबर को 21 दिन तक बराबर सुबह में 4 बजे उठ करके आप पढ़िए, शुभ संकल्प कीजिए। तीसरे नंबर के अंदर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, दिया, धूप लेकर के आपको उनका जो स्तोत्र है पूरा, यदि पूरा उसके ऊपर आपको हीलिंग सीखना है तो पूरा पाठ करना है, रुद्धि पाठ करना है, और उसका जो श्लोक है वो पाठ करते हुए रुद्धि मंत्र और श्लोक तीनों, और खास करके तप के साथ करना है। हो सके तो एकाश ना करें, आईएमएल करें 21 दिन तक, नहीं हो सके तो ब्यास ना करें, ब्यास ना नहीं हो सके तो एक खास करके चोवियार करके, नौकार से और चोवियार करके आप जब करते हो, और फिर जब शुभत्व भाव के, जगत मात्र का, सर्व जीवों का मैं कल्याण की भावना से ये कर रहा हूँ, तो ये सारी भावना से आप जब हीलिंग किसी को भी करते हो, करण करावण में अनुमोदन, जब आपके अंदर शुभत्व भाव प्रकट हो जाता है तब अवश्य में आपका भी कल्याण है और दूसरा भी कल्याण। तो उसको कैसे करना है, विधिवत रूप से करने के लिए हमने एक पूरा कोर्स बनाया है, भक्तांबर हीलिंग कोर्स, जिसका फर्स्ट लेवल 21 मार्च को मेरा है, और पूरे विश्व में सैकड़ों जगह पे भव्याति भव्य भक्तांबर गान, 1 लाख लोग एक साथ में भक्तांबर का गान, आज मैं इसके लिए लाइव आया हूँ। ये अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो पहले जल्दी से हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए, और 1 लाख लोग एक साथ में भक्तांबर गाने वाले हैं, पाठ करने वाले, संकल्प करने वाले। यदि आपको हीलिंग लेना है वो टोटली प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, आपके घर में ही करना है, यदि आपके संघ में परिचित है तो संघ में भी आप आयोजन कर सकते हो। तो जल्दी से पेज लाइक कर दीजिए, आपका नाम नंबर, कितने लोग सामूहिक रूप से भक्तांबर कर रहे हो वो लिखिए, क्योंकि आपके साथ इंडिया में हो रहा है, दुबई में, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका के अंदर हो रहा है, अभी कई सारे देशों में बातचीत चल रही है, और वर्तमान समय की समस्या को निर्वाण करने के लिए खुदभूत भीषण जलोदर भार भुगना, बड़े से बड़ी बीमारी को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भक्तांबर में है। तो खास करके उसके अंदर भी आप जुड़ जाइए, और संकल्प भी जो करते हो एक ही बार नहीं करना है,
मजबूत के साथ में तीन बार बोलो कि हे आदिनाथ भगवान मुझे इस आनंद की प्राप्ति हो, हे आदिनाथ भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, हे आदिनाथ भगवान मेरा बेटा शांत हो गया है, हे आदिनाथ भगवान मेरा पति व्यापार में जबरदस्त सुषमा जी साहब वेरी नाइस, बस आप सभी का ऐसे ही आशीर्वाद बरसाते रहे क्योंकि अनमोल जैन धर्म हमें मिला है। तो जैन धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, सो हम सब लोग जानते हैं और उसमें से बचने के लिए बेस्ट से बेस्ट रास्ता भक्तामत की आराधना है, उसको जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बेस्ट रास्ता इन आप सभी का साथ है। तो जल्दी से ज़्यादा लोग इस पेज के ऊपर आ जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर घर के अंदर आप ये 108 बार है, 27 बार है आराधना साधना करते करते, मंगलकारी विधान करते करते, ये अपूर्व कोटि का जो आनंद है, अपूर्व कोटि की जो साधना है। और जिनको भी एक प्रश्न आया कि भाई मुझे बहुत सारी जगह पे दर्द होता है, तो उसके लिए जो नमक के छोटे छोटे टुकड़े हैं नज़र दोष निवारण के लिए, जब अलग अलग सारी बातें आती हैं तो नमक का जबरदस्त कोटि का प्रभाव है। तो नमक के प्रभाव से, नमक से आप जब उतारा करते हो, मैंने काफ़ी सारे पुराने नवग्रह के जो वीडियो है मैंने उतारा के लिए भी एक वीडियो बनाया है, तो आपको जहाँ पर भी दर्द होता है आप नमक से ऐसे घिस लेते हो, नमक से पूरा उतारा कर लेते हो, तो उससे वहाँ की नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। तो नमक के टुकड़े से, 7 टुकड़े से आप उतारा कर सकते हो, घंटा खाना महावीर देव का पाठ कर सकते हो। सोनाली जी जैन मुझे इससे जुड़ना है, बस जुड़ने के लिए जल्दी से पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि आप सभी को भक्तामर हिलर बनना है, तो खास हमारे जो पूजा बहन है उसका संपर्क कर ले। 900 रुपया उसका एक प्राइमरी चार्ज है, जिसके अंदर आपको पूरा PDF फाइल, ऑडियो फाइल और पूरा किस प्रकार से किया जाए उसकी सारी जानकारी उसके अंदर दी जाएगी। तो आप कोर्स करें और 21 तारीख को अनंत ऊर्जा, यदि आपका लंबे समय से कोई भी काम रुका है कोई बात नहीं, आप 21 तारीख को भक्तामर गिने और 1,00,000 लोगों का भक्तामर की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है और मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, यही संकल्प के साथ आप गिनिए और कमेंट के अंदर बताएं कि कितना जल्दी आपका काम पूरा। बहुत सारे लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, हीलिंग यदि पहले तो आपको करना है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे संस्था में से हीलिंग भी दिया जाता है जिनका 1 घंटे का 300 रुपया चार्जेस है, तो वो भी आप ले सकते हो। यदि लग रहा है कि मेरे सारे चक्र बहुत ब्लॉक हो गए, बहुत नेगेटिविटी हो गई, घर में यदि नेगेटिविटी हो गई है, तो कम से कम 7 दिन का 21 दिन का आप हीलिंग लीजिए, वो हीलिंग के प्रभाव से खूब आनंद खूब प्रसन्नता को प्राप्त करें। 8वें नंबर की बातें हमने कर ली, 9वें नंबर की जो बातें हैं अभी गवर्नमेंट ने बता ही दिया है कि कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है, क्योंकि तो जो चारों तरफ जो माहौल है, और कल ही एक रिसर्च आ गया है कि कोरोना से किसी को डरना नहीं है, बहुत अच्छा स्लोगन हमने बनाया है, कोरोना नहीं मौज कोरोना, कोरोना वायरस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ही सभी की हैप्पीनेस जिंदगी का प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको यात्रा के अंदर कहीं जाना है, यात्रा निर्विघ्न कारी रहे, कभी सामान की चोरी ना हो जाए, कभी रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, एक्सीडेंट आदि भय ना हो, तो उसके लिए 9वें नंबर की जो गाथा है आप पाठ करते हो, उसका हीलिंग लेते हो, तो आपकी यात्रा मंगलकारी हो जाती है। पुनीत जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र, ये सारे ये लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि मेरी वीडियो को हजारों लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर जाकर के गांव-गांव में भक्तामर शिविर का आयोजन करवाते हैं। तो 10वें नंबर का कोई भी प्रकार का विष नाश करना है तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। 11वें नंबर की जो गाथा है वो इच्छित व्यक्ति को बुलाने के लिए गिना जाता है। और आज अंतिम आखिरी बात में 12वें नंबर की आपको बताना चाहूँगा कि 12वें नंबर का जो श्लोक है वो जिन जिन लोग अनमेरिड है, बहुत लंबे समय से कभी किसी को प्रेम थोड़ा हो गया है या एक तरफी प्रेम है या मैरिज संबंधी जितने भी रुकावट है, करीबन हमने 100 लोगों के ऊपर ये अभी अभी लिख लिख करके दिया है कि जो जो भी कुंवारे लोग हैं, जो जो भी लग्न की 30 साल 40 साल भी की उम्र क्यों ना हो गई है, ये 12वें नंबर का जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से कई सारे लोगों का मेड़ापक हुआ है, कई सारे लोगों को प्रेम हुआ है, कई सारे लोगों के मेरे जीवन बिगड़ गए थे, तलाक तक की बात आ गई थी, वापस वो तलाक भी हो गए हैं और एक नए जीवन साथी की प्राप्ति के साथ जीवन भी जी रहे। तो 12वें नंबर का जो श्लोक है, हर प्रकार के मैत्री, हर प्रकार का प्रेम, हर प्रकार के संबंधों के अंदर मधुरता लाने का काम करता है। तो ये अद्भुत कोटि की भक्तामर के इतिहास, यशोगाथा भावना की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब कमेंट कर रहे हैं उसके अंदर और भी बहुत सारे जब कमेंट आए हैं, जिसके अंदर एक कमेंट आए हैं
खास करके अलग अलग प्रकार की आराधना की हम बात कर रहे हैं। विक्रम शाह का एक कुंडली डाली हुई है, भक्तामर का लाइव था, फिर भी आपने कुंडली डाली है तो कुंडली का कोई भी कुंडली के संबंधी भी आपको क्वेश्चन है जरूर आप ये नंबर पे व्हाट्सएप करें और संस्था का संपर्क करके पूरी नवरात्रि। अभी खास अगत्य की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आखिरी दो मिनट के अंदर कुंडली में कोई भी आपका दोष है, अहमदाबाद के अंदर अद्भुत माँ भगवती पद्मावती माता का, क्योंकि जो चैत्री नवरात्रि है वो मातृशक्ति के लिए नवरात्रि है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संकल्प सिद्धि के लिए, कोर्ट कचहरी के विवाद से मुक्ति के लिए, स्मरण शक्ति के लिए। पहले नंबर में जिनका भी मकान का काम रुका है, क्योंकि ये नवरात्रि के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग दो बार आता है और सिद्धि योग एक बार आता है, तो खास करके ये 9 दिन के अंदर एक अद्भुत अनुष्ठान हमने पूरा आयोजन किया गया है। उसमें आप आपकी नवग्रह पूजा, कालसर्प योग, पितृदोष, नक्षत्र दोष, अपने कुलदेवी की पूजा भी कराना चाहते हो तो अभी से आप संस्था का संपर्क करके नवरात्रि की पूजा भी बुक करा दीजिए, क्योंकि ये 48,000 पुष्पों से ये अद्भुत एवरी डे यहाँ पर मंगलकारी पूजन होगा, मंगलकारी अनुष्ठान होगा। 12,500 का 4 चरण हम करने वाले हैं, तो खास करके ये अनुष्ठान के माध्यम से टोटल 50,000 महामंत्रों से जाप होगा, उसका हवन होगा और हवन के बाद सभी विश्व के मां कल्याण की भावना हेतु सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। 20 जुलाई 1974 1:50 न्यू दिल्ली पर है और उन्होंने सवाल लिखा है कि आर्थिक उन्नति कब आएगी। खास करके कुंडली के बगैर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुंडली के बात तो बाद में है, लेकिन आपकी एक शादी टूट गई है, दूसरी शादी भी टूटने की राह पर है, तो खास करके आपको चेक करना चाहिए कहीं ना कहीं अपने में तो कोई कमी नहीं है, अपने स्वभाव में तो कोई कमी नहीं है। तो अपने अंदर जब आप जाग के कोशिश करोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत लाभदायी रहेगा। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, खास करके शनि के कारण आपकी एक सगा एक शादी टूट चुकी है और दूसरे के कारण प्रॉब्लम में आ रही है। पारिवारिक संबंध जो है वो आपके अच्छे नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर गलत फहमियाँ बहुत सारी शनि के कारण, शनि जो है अभी शनि की 7:30, बहुत सारे लोग अनीति के मार्ग के ऊपर चले गए। तुला राशि के बहुत सारे केसेस हमने अभी स्टडी 1 महीने के अंदर करीबन 200 केस स्टडी किए और सभी लोग खास करके तुला राशि वाले गलत फहमियाँ बहुत जल्दी खड़ी हो जाती हैं, तो उसको उससे बचना है। शनि यदि कमजोर है तो उसका जल्दी जल्दी जाप करा देना है, शांति पूजा करा देना है और पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ने में भी, गलत फहमियाँ पैदा करने में भी शनि न्याय प्रिय, यदि आपने कहीं गलत बीज बोया है तो उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो खास करके आपका पूरा जो मैं कुंडली का अभ्यास देख रहा हूँ और आपकी शादी दूसरी शादी नहीं टूटेगी, क्योंकि 24 जनवरी से ग्रहों का गोचर हो चुका है और ग्रहों पर गोचर के बाद में जो दूसरी शादी है वो नॉर्मल हो जाएगी और आर्थिक उन्नति जो बोली है कालसर्प योग आपकी पुत्रिका में बन रहा है तो जल्दी से उसकी शांति पूजा कराएं। 2020, 2021 और 2022 जो है वो आपके लिए बहुत मध्यम है, तो बहुत मेहनत कीजिए, ताकत लगाइए, बुद्धि को लगाइए, भक्तामर की आराधना कीजिए, उसके आगे आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा हो सकता है। नैना शाह जुड़ गई है, वो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया जैन जय जिनेश्वर देव की, प्रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 21 तारीख को आप सब लोग जुड़ रहे हो, आपके घर में 2 लोग 10 लोग पर वास्तु दोष मत कराना। बहुत सारे लोग बहुत सारे यंत्र घर में रख देते हैं, बहुत सारे हजारों लाखों रुपए का खर्चा करते हैं। 21 मार्च आपके पास एक ऐसा गोल्डन दिन है, आपके दोस्त है, आपके जो मित्र है 5, 10, 25 लोग इकट्ठे हो जाइए, भक्तांबर की पुस्तिका लाइए, आपके घर में जितने भी यंत्र हैं उनको पानी से बराबर साफ करके, अगरबत्ती दिया धूप करके खूब भाव से, आप कल्पना तो करें कि 1 लाख जब लोग साथ में भक्तांबर गिनेंगे कितनी जबरदस्त गोटी की ऊर्जा आप अनुभूत कर पाओगे। तो सभी लोग, प्रिया जी को, नैना जी को, नैना सेठ को, सभी को बोल रहा हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं आज ही अपने सारे सभी जगह पे फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने घर पे गेट टुगेदर छोटा सा प्रोग्राम सुबह में 9 बजे से 11 बजे सभी लोग अपने अपने जगह पे मिलने वाले हैं। पूरा दिन बढ़िया है, जब कभी 21वीं तारीख जो है वो पूरे दिन में जब भी आपकी अनुकूलता हो वो आपको करना है। यहाँ पर भी हमारे सेंटर पे पूरा 24 घंटा भक्तांबर पाठ रहेगा, तो खास करके रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे प्रभाव। अब खाली कल्पना तो कीजिए कि पत्थर जैसी बेड़ी को यदि मंत्र के प्रभाव से तोड़ सकता है तो शरीर का कौन सा रोग खत्म नहीं कर सके। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, 21 मार्च में आप जुड़ जाइए।
पक्तांबर हीलिंग कोर्स जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने भी रेकी है, वास्तु शास्त्र है, अलग अलग प्रकार की हीलिंग थेरापी सीखी है, साथ में पक्तांबर को जोड़ दीजिए, पक्तांबर की महासाधना को जोड़ दीजिए। हीलिंग संबंधी, मंत्र संबंधी, कुंडली संबंधी कोई भी सवाल है तो जरूर आप हमें फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक अद्भुत जैन शासन का निर्माण, आज भगवान का जन्मदिन, कल्पना करें कि उनकी ओरा कितनी पवित्र, कम से कम औरों का भला हम करें कि नहीं करें। बहुत सारी महिलाएं फ़ोन करती कि हमारे पति देवों का बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है। सारी समस्याओं का पूर्ण विराम भक्तांबर है। आप सभी लोग भक्तांबर के महासाधक बने, उत्तम कोटि की अनुभूति आप खुद करें और आपके आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी जगह के अंदर भक्तांबर का, अचिंत्य कोटि का आनंद की अनुभूति कराएं। बहुत सारे गांवों में आगे हमारी भक्तांबर शिविर है, आप भी आपके गांव में भक्तांबर की शिविर करा के अनमोल आनंद, बहुत सारी शिक्षा। 25 तारीख को मैं पूना में आ रहा हूँ, बहुत सारे हीलर 25 तारीख को मुझे मिलने भी आ रहे हैं, तो 25 तारीख को पूना में हो, पूना के आसपास के हमारे साथ में जुड़ करके आप एक अद्भुत इतिहास का निर्माण करें, यही भावना। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।